धर्मेंद्र भैया करोड़ों और से जीतेंगे आपकी बात मतलब करोड़ों आइलैंड अरे वो आएगा कहीं से कहीं से आएगा लेकिन करोड़ों और से जीतेंगे धर्मेंद्र भैया अब की बार चार दो पार मिलने गए थे भवरनाथ में वो लेके वो अपनी हीरोइन को लेके बिजी थे हम लोग 5 घंटे तक इंतजार किए बाहर उनके कार्यालय पे तो ऐसे सांसद का रहना क्या मतलब नचनिया पर नहीं भाजपा ही तो हमके लगा था ना हुई है पर भी जाता है तो वहाँ भी मार हो जाती है भाजपा पे अगर ये कोर्ट भी गिर गया तो आप लोगों को लगता है तमोली गांव के किसी व्यक्ति को लग जाता है कि यहाँ ये फलनवा जा रहा है वो बीजेपी में जा रहा है आप लोग निरहुत चल रही है यहाँ से घरे आपके गाजीपुर जी हैं गाजीपुर जाएंगे गाजीपुर चल रही है नहीं चुनके छोड़ेंगे पुलिस वाला पेपर वैल हो लीक हो गया और देखा भाई का लीक हुई खाली देखा जा जब ले बीजेपी वाले रही है ना तब ले तमौली के विकास का पूरे आजमगढ़ का विकास ना हो तो नहीं जिले आजमगढ़ में है और तमौली गांव में वही तमौली जिस तमौली गांव को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी इस गांव को गोद लिए थे यहाँ के युवा हैं क्रिकेट खेल रहे थे इसी बीच में हमने आया सोचा इनका मत जान लेते कि बार किसको सांसद बनाएंगे आजमगढ़ से इस बार आजमगढ़ का सांसद कौन बन रहा है धर्मेंद्र यादव धर्मेंद्र यादव कन्फर्म है कन्फर्म एकदम अभी वोट पड़ा ही नहीं कन्फर्म अरे नहीं रहू गए इस बार नाचे गाँव में बस उतने काफी हो ठीक हो स्थान भी मिलने गए थे भवरनाथ में वो लेके वो अपनी हीरोइन को लेके बिजी थे हम लोग 5 घंटे तक इंतजार किए बाहर उनके कार्यालय पे हीरोइन को लेके बिजी थे तो ऐसे सांसद का रहना क्या मतलब नचनिया पर नहीं आखा नेता रहे बीच में रहे हमारे मतलब युवाओं को सांसद सुन नहीं रहे नहीं एकदम नहीं मुलाकात ही नहीं करता युवा बोलते हैं कि हम डेली यहाँ रहते हैं जय कर बोलबो करबो कुछ धर्मेंद्र भैया करोड़ों और से जीतेंगे आपकी बात मतलब करोड़ों आइलैंड वो आएगा कहीं से आएगा लेकिन करोड़ों और से जीतेंगे धर्मेंद्र भैया अब की बार चार सौ पार अरे कौन सा सर किस पक्ष में जाएगा पीडीए पीडीए द्वारा अच्छा भैया क्या लगता है अच्छा अच्छा ये बताइए आप लोग युवा हैं खबर चल रही है कि धर्मेंद्र यादव हुए अखिलेश यादव हुए ये लोग आते हैं और चुनाव जीतते हैं उसके बाद यहाँ टिकते नहीं चले जाते हैं वहाँ इस समय देख लीजिए धर्मेंद्र वर्तमान में है ही नहीं देखिए जो भी किया है मुलायम यादव ने आजमगढ़ जिले के लिए कार्य किया है हम लोग को PGI दिए रोड दिए तमाम हर एक चीज़ सुविधा दी तमौली गांव को गोद लिए थे देखिए कितना विकास हुआ जाके चेक कर लीजिए आपको लगा कभी विकास पूरा हुआ है पूरा विकास हुआ बहुत कुछ हुआ है घर घर आरओ को पानी पहुँचाने वाले काम उन्हीं का है मुलायम सिंह यादव का आरओ प्लांट यही बगल में लगा है देखिए वहाँ पर पूरा गांव बाकी कुछ रोजगार विकास हुआ सब कुछ मिला है सपा सरकार में सब कुछ मिला है बाकी सरकार में खुलेआम लड़कन के नौकरी मिल रहा है भाजपा में का मिलल भाई सब खत्म भाई मिलल भाई आए पेपर ली पुलिस वाला पेपर वैल हो लीक हो गया और देखा भाई का लीक हुई खाली देखा जा जब ले बीजेपी वाले रही है ना तब ले तमौली के विकास का पूरे आजमगढ़ का विकास ना हुई सब रुक जाए निरुआ तो खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि आए के तो सब कहा बकाय के क्यों दिखावे ये नहीं है निरुआ अरे का कहले बाड़े हैं कहा था कि हम जहाज उड़ा देने अरे जहाज उड़ा देने तो का अपने घरे से उड़ा देने हैं कोई भी नेता अपने घर से थोड़ा करता है नहीं जहाज उड़ा देने तो कब जहाजिया जाए खाली पैसा चाहिए जब कमाई के लिए से तो पास कैले रहने का सीख लेनिया के बनवौले के लिए से ने टेंडर पास कुल इनके राज्य में कमवा हो गेल तो का भयल नमवा तो नहीं कोई ना अब पास करा वाला के रहे अखिलेश ना रहने उड़ाए कौन उड़ावे उड़ौले से का मतलब हो जो वर्तमान में रहते उड़ाई वर्तमान में तो हम ही कर रहे कह के चल जाए और क्यों अगर उड़वाए दे तो भाई नमवा तो कर हो भाई करी अरे तमाम सबसे लोग से पूछते रहेंगे क्योंकि देखिए एक ही लोग से पूछने कोई मतलब नहीं भैया क्या लगता है आज आप बैठे क्यों है क्या लगता है ठीक है जो अरे धर्मेंद्र यादव जिगरा फैन आप लोग हाँ हाँ एकदम दिल से मानते हैं दिल से हम लोग तमौली गांव पूरा दिल से मानता है सपा को यहाँ भाजपा ही तो हमके लगा था ना हुई है पर भी जाता है तो वहाँ भी मार हो जाती है भाजपा पे अगर ये कोर्ट भी गिर गया तो आप लोगों को लगता है तमौली गांव के किसी व्यक्ति को लग जाता है कि यहाँ ये फलनवा जा रहा है वो बीजेपी में जा रहा है तो आप लोग रुकवा देते हैं मार हो जाएगी मार हो जाता है पक्का मार हो जाती है इसमें कोई दो नहीं एकता आप लोग कभी इस गाँव में वही कहना हमने कहा इस गाँव में अखिलेश यादव आए अखिलेश यादव आएंगे DIG आवास पे धर्मेंद्र यादव बहुत भारी हाल पड़े हाँ यहाँ पर आए हैं सरकारी स्कूल में पूरा और भाजपा वाले तो एकदम नामो निशान ना उनका रहा कि तमौली में चली कभी आ गए तो है अरे आज ये पहले आवे तो आ गए तो छोड़ा आवे तो पहले अब कौन सेवा ना रही भैया कौन सेवा ना जवन सेवा रही भैया धर्मेंद्र करेगी और बाकी क्यों सेवा ना तमौली हो सकता है इसलिए ना आ रहे हो
अरे यहाँ तब ने पता चली, आप लोग लाइए ना, होता तक काम करें विकास। अरे भाई ऐसे कैसे आप कोई पकड़ के लाएगा उनको, उनको आना चाहिए, उनको ऑटोवा चाहिए कि हमको चाहिए? बिल्कुल सांसद तो गलती तो उनकी है, आ नहीं रहे, आना चाहिए ना। अरे आने के बाद अगर कोई भगाए तो बोले। बिल्कुल सही, राइट जवाब। और कहना चाहता है आइए तमाम लोग इनसे पूछते, भैया दो लोग यहाँ पे हैं उनसे पूछते हैं। कहा भैया इधर आइए, बोलो भैया। कभी इस गांव में तमोली गांव में बीजेपी के नेता कोई आया? हाँ आए थे, लेकिन फिर कुछ किए हुए नहीं यहाँ के लिए। आए थे? कौन आया था? अभी ये गुड्डू मिश्रा आए थे यहाँ पे, उसर यहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे आए थे। क्या बोल के गए, क्या आश्वासन दिए? मैं तो वहाँ पे कुछ गया नहीं था, अब जो उनको बोलना था वो बोले। यानी वोट किसको जाएगा? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव, सारे लोग को धर्मेंद्र यादव। बड़ा जिगरी फैन लग रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, यहाँ पर सपा टू सपा, बिल्कुल सपा है, सपा जीतेगा, आजमगढ़ जीतेंगे धर्मेंद्र। आइए आइए आइए, कम से कम वो ऊपर लोग बैठे, चाचा वाचा लोग बैठे, वहाँ उन सबसे पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए हम सबसे पूछते रहेंगे। आते आते आते, हाँ भैया अगले समय चला तो और पूरा होगा सपना। आइए बाकी यहाँ पे लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए हम आ रहे थे अचानक, हमसे लोग मिल गए हैं तो कम से कम इनके विचार जान लेते हैं, क्योंकि हमको पता चला है कि इसी गांव में कभी एक तो ऐसा वक्त था कि जब स्वर्गीय मुलायम यादव इस गांव को गोद लिए थे। आइए भैया उनसे पूछ लेते हैं दो शब्द। क्या भैया, क्या नाम आपका? अशोक यादव जी। क्या लगता है कि सांसद कौन बनेगा आपके आजमगढ़ से? वो तो उनका जो जनता का मन है, जिसको चाहे उसको बनाए। आपका मन क्या है? अरे हमारा क्या मन है, आपके गांव के ही पीछे लोग बोल रहे हैं। तो मत 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 का क्या मतलब, मताधिकार क्या मतलब कि वो गोपनीय क्यों किया गया? वो आपका विचार है कि खुलेआम दीजिए चाहे। हाँ तो यहाँ तो सपा आई सही बस, और क्या। धर्मेंद्र यादव? हाँ धर्मेंद्र यादव। अच्छा जी इनसे पूछ लेते हैं, अरे आप तो बोल दीजिए नाम पहला। अरे अच्छा अब की बार क्या वोट देवा, धर्मेंद्र यादव या निरहुआ? धर्मेंद्र यादव के। अरे धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव दिया ही क्यों? अरे क्यों, वही हमारे यहाँ सांसद हैं, वही रहेंगे और कौन रहेंगे? वो कहाँ सांसद हैं, अरे गए थे यहाँ। होंगे ना आप की बार? होंगे, होंगे, प्रयास में हैं आप लोग? अरे पूरा है। बाकी निरहुआ? निरहु तो चल दिए यहाँ से घरे, आपके गाजीपुर जी हैं। गाजीपुर जाएंगे? आपके गाजीपुर चल दिए हैं। अरे आज मोड़ो नहीं चुनके छोड़ेंगे आप? अरे भाई अब घर द्वार बनो तो रहन करिए, वो थोड़ा ना। अच्छी बताइए, अरे आपसे कुछ एक सवाल और पूछ लेते हैं, क्या लगता है कि मोदी सरकार में कुछ हो रहा है कि नहीं? क्या कुछ ना वाला जिला छोड़िए, यहाँ कुछ ना मोदी है, गल्ला या मिला था गल्ला ये गल्ला से खुश हुआ कि ना? ना रे फंगदा जला गल्ला गंगाई गल्ला चरम सीमा चल गई, महंगाई पूरा चरम सीमा पर। दादा क्या लगा था किस सांसद के बनी? अभी तो अब इतना लिख के ना बैठे लग के बनी। हाँ विचार है सफाई है, सफाई दिल से सफाई, यहाँ से वहाँ यहाँ से सिफाई, यहाँ लगभग 80-90% सफाई है, सब सफाई है। इतना खुशी है? हाँ ये इतना खुशी। मुलायम यादव जब इस गांव को गोद लिए थे पहली बार, तो इस गांव में आप लोग क्या देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे पुराने हैं, उनके राज में आप थे अभी भी हैं? वो समय तो रहन कहीं ना, वो लाइन के खम्मा में घिचायल और बाद बिजली चौकी ने पौला माथे माथे रुक गई लिय, यह कुल तो भैया संसदीय कर रहा जोगी जी कर रहा मोदी जी का। जब मुलायम रहने संसद यहाँ रहने तो बीजेपी सरकार बन गई, जब बीजेपी सरकार बन गई तो यहाँ प्रवेश का हुई है? एक गलत बात है, सरकार कोई हो जो सांसद है वही मतलब रखता है। बिल्कुल मतलब उसकी निधि बनती है, लाके पैसा कोई हो। अभी जो सुंदरीकरण हो या पोखरे का जितना ब्लॉक बजट पास हुआ हो, इसका देखिए सुंदरीकरण है, इसको हुआ नहीं है। तमौली गांव में अगर सांसद जी लिए हैं मुलायम सिंह, मर भी गए बिल्कुल, लेकिन ये मान के चले क्या विकास हुआ, इसको देखिए। पार्टी कोई हो, सपा वाले बेशक हैं, लेकिन सपा विकास की आज में मोदी सरकार भले कम से कम जो इनका फंड बनता है जीते हुए प्रत्याशी हैं, तो कम से कम इनका धाक तो बनता, लाके पैसे काम करें क्षेत्र में अपने। सांसद जो भी होगा, विधायक होगा, वो बजट ऊपर से नहीं लगा विकास क्या होगा है? बिल्कुल विकास तो वही कर सकता है ना, अब मोदी जी थोड़ी करेंगे, योगी जी करेंगे। सांसद लोग मुलायम बनाए थे तो वही काम करेंगे ना, केंद्र में सरकार नहीं तो उसका मतलब उनका पैसा नहीं आया होगा, जरूर आया होगा। कुछ ना भाई, निरहु की बात छोड़ी, इधर नहीं आया तो इधर क्या हम लोग जाने है कि नहीं? निरहु सांसद है। मुलायम सिंह कार्यकाल में यहाँ पे गांव में कुछ काम नहीं हुआ था, उससे पहले हुआ था? नहीं नहीं भाई, काम तो आजमगढ़ में मुलायम सिंह किए हैं, लेकिन तमौली गाँव के लिए स्पेशल कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। यहाँ
ताकि जो युवा है उनके भविष्य के कुछ लिए सोचा जाए? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप पूरे और प्लांट कोई भी हुआ सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब गोद लेने का मतलब कोई निकला? कुछ नहीं निकला यार, जब यहाँ कमिश्नरी के पास आए, यहाँ आए ही नहीं तमोली में। तमोली का यही विकास है ना, ये देखिए ना इधर, यही विकास देख लो आप। युवा में तो बड़ा जोश भरा है, लोग बोल रहे हैं कि भाई तो युवा इसीलिए नौकरी ज्यादा मिल रही है, ज्यादा कर रहे हैं ना। मोदी जी एक बार और आ जाएंगे तो नौकरी पूरा दे देंगे और डीजल सस्ता कर देंगे। अभी तो फार्म भरा के लिए करवा रहे, फार्म बंद करा देंगे। अरे सब बंद करा देंगे भाई, डीजल आ जाएगा 10 रुपए, पेट्रोल आ जाएगा 2 रुपए, इतना सस्ता ही हो जाएगी। मोदी जी आ जाएंगे सब सही हो जाएगा, और जो गरीब उनके घर में रुपए हो जाएगा। आपकी क्या लगे लाने के लिए? भाई देखो, लाना तो यहाँ बीजेपी इसको सपा को है, सपा के यहाँ कोई नहीं, लेकिन काम करे या ना करे सब यादव इधर है। हाँ सब यादव। अरे तो निरहुआ तो भी यादव हुए हैं वो क्या? अरे सांसद है, भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं। अरे कुछ भी हो भाई, हमारे भोजपुरी में ही रहे, यहाँ पर ना आए। हाँ सांसद उनके पास का नहीं है, इधर धर्मेंद्र यादव ही आएंगे। ठीक है, कम से कम यहाँ आए होते तो समझ में आता कि गांव में आए हैं। बेशक ठीक है, काम मत करिए, कम से कम इधर आइए ना। बिल्कुल, जनता वोट आपको दे चाहे ना दे, आपका अधिकार बनता है क्षेत्र में जाने के लिए। आप इधर भ्रमण करेंगे तो जनता हो सकता है किसी के दिल में जगह बना ले, आप बना ले। जब इधर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो जनता क्या करेगी? पूछ रहे हैं जितने के बाद 2.5 साल, 2.5 साल रहे हैं ना सांसद यहाँ जी। बिल्कुल, इस गाँव में कितनी बार आए हैं? इस गाँव की बात कर रहा हूँ। इस गाँव में कभी भी कोई सांसद आप लोगों के पद से जीता था, चाहे मुलायम सिंह हुए, कभी आए थे? मुलायम सिंह की तो अलग चीज थी, वो उनका बुढ़ापा था, लेकिन ये तो नवयुवक है ना, इनको बिल्कुल हर गांव में दौड़ रहे हैं यहाँ पे। ये आपकी तो, वो उन्होंने बोला कि आपकी हर गांव जाएंगे, हो सकता है नंबर आए चुनाव में वोट मांगने के लिए ना। जीतने के बाद क्यों नहीं आए, वो बात मायने वो बात रखती है। जीतने के बाद आते तो बात अलग है। 2 साल में कोई काम किए हैं अच्छा आपको लगा आपकी निगाह में? हाँ, आप शहर में तमाम जगह घूमते होंगे, आप बुजुर्ग भी हैं, क्या लगता है सांसद महोदय कुछ काम किए? 2 साल में तो कोई सांसद का काम नहीं दिख रहा है, सांसद ही कोटे से तो काम नहीं दिख। अपने गांव को छोड़िए, आप सिटी में भी वो जो है पुराना काम है, सांसदों का जो है, पुराने सांसदों का, और जो है जो केंद्र और राज्य स्तर पे है काम, लेकिन इधर कुछ नहीं हुआ। विधायक जी का भी दिखाइए कि तमोली गाँव विधायक जी बहुत अच्छा काम किए, दुर्गा जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी बहुत तगड़ा काम किए, इसीलिए उनकी सीट निकलती है बराबर। आपकी नवी बार विधायक बने, अखिलेश के पास एक खबर पहुंचाइए कि कम से कम तमोली गांव को आप आकर देखिए क्या विकास हो रहा है। मतलब आप अंदर से कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई कहने का मतलब विकास है नहीं, विधायक जो आना चाहिए, विकास करना चाहिए ना तमोली के लिए। ऊपर से बोल रहे हैं काम खूब किए हैं। अरे भाई अखिलेश हो या कोई हो, अगर वो जीत रहा है विधायक तो ये समझेंगे कि हाँ विकास हुआ है, पब्लिक जनता लाइक कर रही है, पब्लिक खुश है तभी जीत रहे हैं। बिल्कुल, काम क्या है? कुछ नहीं, काम कुछ नहीं किए हैं तो जनता जीता क्यों रही है? कहीं तो करते होंगे भाई, कहीं नहीं। जनता वोट किसको दे ये बताइए, वो भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, दे तो किसको दे? खाली नोटा बटन वो भी कितना लोगों को मालूम नहीं, इस साली होती क्या, किधर दबाएगा? अरे मालूम साइकिल है, जो जिससे भी सुनो साइकिल जानता है, साइकिल को दे देगा। नेता कोई हो, नेता कोई भी हो, सिर्फ लोग ध्यान देते हैं ऊपर, कोई भी उठ जाए साइकिल से, कोई उठेगा तो जीतेगा वही सब साइकिल। बिल्कुल बिल्कुल यही कहेंगे कि एक बस, तो बस यही कहेंगे कि दोस्तों वीडियो तब शेयर कीजिए, और तमाम लोगों का हमने दिखाया अपडेट यहाँ पे, और यही कहेंगे कि मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। सिंह यादव जी का एक एक ईंट जो विकास का ईंट है नेताजी की देना आजमगढ़ में, चाहे कलेक्ट्री देख लीजिए, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लीजिए, तमाम जो सौंदर्यीकरण से लेकर के तहसीलों को जोड़ने का, मार्टिन कर तहसील बढ़ाई गई, तो कहीं ना कहीं पीजीआई से लेकर तमाम जो काम है समाजवादी पार्टी की देन है, और आजमगढ़ में जो भी विकास का काम हुआ समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। जैसे आप गिना रहे हैं उसी वर्तमान सांसद निरहुआ गिना रहे हैं कि हमने जहाज उड़ा दिया, आजमगढ़ में कोई ऐसा रोड नहीं जो हमसे बना नहीं, तमाम चीज़ गिना रहे हैं कि आप उनका सुनेंगे तो आप दिल में कि यहाँ लगता है बंदा किया है। समाजवादी पार्टी के कामों पर अपना नाम देने का काम बीजेपी बार बार करती है, और समाजवादी पार्टी में जो काम किया गया उन कामों पर शिलापट लगाने का काम, उसको अपने नाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।